सन् 2017 को आन्दोलन देखि विभाजित भएर आफैले नेतृत्व दिदै आएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा को अध्यक्ष पदबाट विनय तामाङले राजीनामा दिएका छन्। आफैले नेतृत्व दिदै आएको पार्टीका अध्यक्ष पदबाट विनय तामाङले राजीनामा दिएपछि पहाड़को राजनीतिक माहौलमा हलचल मचिएको छ। भनिन्छ राजनीति कलात्मक खेल हो। हिजोको मित्र आजको शत्रु, आजको शत्रु भोलिको मित्र हुन्छन् भन्ने भनाई राजनीतिमा चरितार्थ हुँदछ। आफूले राजीनामा दिनुको पछि धेरैवटा कारणहरू रहेको विनय तामाङले बताएका छन्। सन् 2019 देखि नै पहाड़को राजनीतिबाट आफूलाई हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको उनको भनाई छ। यस्तो षड्यन्त्र राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको उनले बताएका छन्। अब गोजमुमुमा विनय सम्म छैन भन्ने राजीनामा घोषणा गरेको क्रममा तिनले बताएका छन्। हाम्रो यो जो पार्टी है गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी बटवारा हुआ था, एक विमल गुरुङ जी का तरफ चला गया, एक मेरा नाम का ऊपर में चला गया। देन इन 2019 वी फेस्ड वन लोकसभा इलेक्शन एंड वन बाई इलेक्शन एमएलए बाई इलेक्शन इन दार्जिलिंग एंड वी हैव फेल्ड टू गेन दैट सीट। हाँ, हमारा अलायंस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साथ में था। देन रिसेंटली कंक्लूडेड जो असेंबली इलेक्शन था उनमें हम तीनों पहाड़ का सीटों पे हम लोग ने कैंडिडेट दिया था। उनमें से कालिम्पोंग का जो असेंबली सेगमेंट था उसमें हम लोग का जीत हो गया, लेकिन कर्सियंग और दार्जिलिंग में हमारा हार हो गया। इसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इस हार को देखते हुए मैंने आज डिसीजन लिया कि मेरा पार्टी की तरफ से मेरा जो पोस्ट है प्रेसिडेंट एंड रिपोर्ट प्रेस वहाँ से रेजिग्नेशन दिया जाए। और साथ ही साथ एक 2019 जनवरी से एक कंस्पिरेसी, दिस इज नॉट द लोकल कंस्पिरेसी, दिस इज नॉट द रीजनल कंस्पिरेसी, बट दिस कंस्पिरेसी वॉज हैक्ड बाय द नेशनल लेवल कि विनय तामाङ को हिल पॉलिटिक्स से हटाना होगा। सो कई जगह पे ये कैंप होने के चक्कर में था। देखिए, आज मैं पॉलिटिक्स करूं या ना करूं ये मेरा अपना राइट है, इसलिए इस कंस्पिरेसी को देखते हुए भी आज मैंने पार्टी से अब मेरे को अलग कर दिया है। नाउ देर इज नो विनय फैक्शन इन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी एंड रेस्ट ऑफ माय लीडर्स जो अभी विनय फैक्शन में, एज पर द वर्डिक ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता, दे हैव टू चेंज द नेम ऑफ विनय फैक्शन टू सम अदर एक्स वाई जेड फैक्शन, ये उन लोगों को करना होगा। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल माई पार्टी लीडर्स टू एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन एंड एंडोर्स ऑन इट, ये मेरा है। तो साथ ही साथ सभी को ये देखते हुए मैंने आपका डिसीजन ले लिया है एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्विट द पॉलिटिक्स राइट नाउ। मैं पॉलिटिक्स में हूँ और आगे का जो पॉलिटिकल जर्नी है किस तरह का होते हैं वो बाद में देखा जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आई वॉज एसोसिएटेड इन टू पार्टीज 1986 to 1999 आई वॉज इन जेल एंड 2007 to 2021 एज ऑफ नाउ आई वॉज एसोसिएटेड with Gorkha Janmukti Morcha Party. These are the two phases during my 33 years long political journey. Then I want to start new journey, third phase of political journey very soon. And we will disclose nahi karenge, baad mein karenge ye sab. Lekin jo bhi journey hoga for the interest and the benefit of the people of Darjeeling Hills, including Gorkha people. Oh.
तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपका संबंध कैसा होगा? ना देखिए, पब्लिक के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो बोल रहे थे ना, ये जो झंडा है ये इसको आप ओरिजिनल मालिक के पास भेजेंगे बिना मांगे पर, तो ये कैसे मुमकिन होगा? जो ये झंडा है आप, हाँ है, जैसा है 2017 में जब मूवमेंट के दौरान सभी लीडर इधर उधर हो गया, उसके दौरान मैं पार्टी को ये पार्क बचाने के लिए मैंने एक स्टेप लिया था। तो आज ये पार्टी का फ्लैग जो है वो मैं कल ही विमल गुरु जी के पास में भेज रहा हूँ, और जितना भी मेरा पास स्टॉक है ये फ्लैग का वो भी भेज रहा हूँ, क्योंकि ही इज़ द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कोटा जनमुक्ति मोर्चा एंड आई वांट टू गिव दिस ऑल दिस फ्लैग टू हैंड ओवर दिस फ्लैग टू श्री विमल गुरु। विनय जी, आपका तीसरा अध्याय कब से शुरू होगा? तीसरा अध्याय देखिए, वो इसके लिए आपको थोड़ा दिन रहना होगा, और उसके बाद में मैं आपका जैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आपको बता दूंगा कि हाँ हमारा।